स्टूडेंट माई सेल्फ योगेंद त्यागी दिस इज मैथ क्लास फॉर क्लास एट्थ एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री डिस्कस टूडे स्टूडेंट आज हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट हम कुछ इक्वेशंस हैं जिनको चेक पहले सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दिस उस रिजल्ट को हम चेक भी करेंगे कि आंसर हमारा सही है या नहीं है स्टूडेंट सेवन क्लास में भी हमने इक्वेशन सॉल्व की थी आपको आता है हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और वही चीज़ है यहाँ पर और इस तरीके से हम फिर से एक तरीके से ये रिवाइज़ कर रहे हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं तो फर्स्ट 3x एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस एटीन फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री स्टूडेंट इक्वेशन देखिए थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस एटीन इक्वेशन जो होती है ये लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट और आपको बताया था कि इक्वेशन तभी कहलाती है जबकि जो पॉलिनोमियल है उसके टर्म्स जो हैं उनके बिटवीन इक्वल का साइन होता है और इक्वल के साइन से लेफ्ट की तरफ जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और राइट right वाले को हम कहते हैं राइट हैंड साइड आर एच एस एल एच एस एंड आर एच एस अब देखिए इसको अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर हम करते हैं स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में भी हमने सॉल्व किया था कि हम जो वेरिएबल है वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं उनको हम एक साइड में ले लेते हैं कलेक्ट करते हैं और जो कांस्टेंट नंबर है लेते हैं तो 3x इस 2x को भी हम लेफ्ट की तरफ ले आए और जब साइड चेंज करता है कोई भी टर्म तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है तो ये पॉजिटिव है इधर आने पर ये निगेटिव हो गया माइनस टू एक्स इक्वल टू एटीन क्लियर हो गया स्टूडेंट यहां तक आप देखिए थ्री एक्स माइनस टू एक्स ओनली एक्स इक्वल टू एटीन तो हमारे पास जो वैल्यू है देखिए एटीन आ चुकी है स्टूडेंट <coughs> यही हमारा आंसर है अब आफ्टर दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द आंसर रिजल्ट एंड चेक योर आंसर उसके बाद हम आंसर को चेक करें तो चलिए चेक करते हैं देखिए चेक योर आंसर लेफ्ट हैंड साइड देखिए एल एच एस चेक करते वक्त स्टूडेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है देन वी प्रूव दैट आंसर इज राइट तो देखिए थ्री एक्स इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई एटीन एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर अब आर एच एस भी हम फाइंड कर लें स्टूडेंट टू एक्स प्लस एटीन देन टू मल्टीप्लाई एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स प्लस एटीन फिफ्टी फोर सो स्टूडेंट देखिए हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी फिफ्टी फोर आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा फिफ्टी फोर आ रहा है सो so इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा जो आंसर है जो x इक्वल टू एटीन वैल्यू आई है ये बिल्कुल राइट right है करेक्ट है ये आंसर तो एल क्वल टू आर एच एस क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं तो मैं आज इस एक्सरसाइज में आपसे दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं तो नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन एट एक्स प्लस फोर इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन ब्रैकेट में है और प्लस सेवन लास्ट में सो so, स्टूडेंट सबसे पहला वर्क है हमारा काम होता है कि हम ब्रैकेट को ओपन करें तो देखिए एट एक्स प्लस फोर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू थ्री को मल्टीप्लाई किया हमने थ्री एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स थ्री जा थ्री प्लस सेवन नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट हम जो टर्म्स हैं कॉफी जिसके साथ वेरिएबल है इनको हम एक साइड में कलेक्ट करेंगे तो एट एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सेवन माइनस फोर एट एक्स माइनस थ्री एक्स फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन प्लस सेवन सो माइनस सेवन प्लस सेवन कैंसिल हो चुके स्टूडेंट तो जीरो आंसर हो गया तो फाइव एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन फाइव मीन्स जीरो तो एक्स की वैल्यू देखिए यहां पर स्टूडेंट जीरो आ चुकी है अब चेक करना है आपको आंसर तो सेम उसी टाइप से जैसे पहले किया था आपने लेफ्ट हैंड साइड एट एक्स प्लस फोर एट मल्टीप्लाई जीरो एक्स की वैल्यू देखिए जीरो है हमने यहाँ पर पुट कर दी प्लस फोर तो जीरो प्लस फोर इक्वल टू फोर आर एच एस स्टूडेंट थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस वन प्लस फोर प्लस फोर नहीं है स्टूडेंट सेवन तो थ्री जीरो माइनस वन प्लस सेवन स्टूडेंट थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस सेवन थ्री वन थ्री माइनस थ्री प्लस सेवन इक्वल टू प्लस फोर तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी फोर मिली हमें राइट हैंड साइड की भी वैल्यू फोर मिली है स्टूडेंट तो उससे देखिए इस तरीके से स्टूडेंट हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि चेक करते टाइम अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो सेम आ जाती है जैसा कि यहाँ पर देखिए एल एच एस भी फोर आ रहा है आर एच एस भी वैल्यू फोर आ रही है तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देन योर आंसर इज राइट करेक्ट आंसर क्लियर स्टूडेंट समझ में आ गया ये आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेवेंथ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं देखिए एक्स इक्वल टू फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस टेन तो देखिए यहां पर एक्स इक्वल टू हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं ओपन करने पर फोर अपॉन फाइव का मल्टीप्लाई एक्स से भी होगा फोर अपॉन फाइव का मल्टीप्लाई टेन से भी होगा तो ये देखिए फोर एक्स अपॉन फाइव प्लस फोर अपॉन फाइव को जब हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव टू जा टेन एट आ गया यहाँ पर आंसर इक्वल टू देन अब एक्स वालों को एक साइड कर दिया हमने एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू एट नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइव एल्सियम यूज़ किया दैन फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू एट दैन कितना है यहाँ पर एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू एट एट अपॉन वन कर दिया हमने कोई इसमें चेंज नहीं हुआ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वन जा एक्स और एट फाइव जा फोर्टी तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट देखिए फोर्टी समझ में आ रहा है आपको हमने किस तरह से किया है स्टूडेंट अब इसको आपको चेक करना है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स तो एक्स तो फोर्टी है ही तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ ही चुका है फोर्टी राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई एक्स एक्स फोर्टी है स्टूडेंट तो फोर्टी प्लस टेन फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई फिफ्टी फाइव टेन या फिफ्टी फोर्टी देखिए ये भी वैल्यू देखिए फोर्टी आ चुकी है और ये भी 40 आ चुकी है क्लियर सो आई होप दैट स्टूडेंट एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री जिसमें कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था और उसके बाद आंसर को हमें चेक भी करके बताना था तो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किए जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे समझ में आ चुके होंगे इस एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आज आपका यही वर्क है कि इसको आप नोटबुक में साथ के साथ जो एवरीडे जो आपका वर्क मिल रहा है उसको रोज का रोज आप कंप्लीट करते चलें थैंक यू वेरी मच